हेलो फ्रेंड्स, रेनू की रसोई में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेकर के आई हूं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में आधा कप पीसी हुई चीनी, आधा कप दही, दही हमें खट्टा नहीं चाहिए, फ्रेश दही चाहिए, आधा कप रिफाइंड, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर ले। ये देखिए हमारा जो मिश्रण है रेडी है। अब इसे साइड में रख देते हैं। एक छन्नी ले लेंगे जिसमें मैं डाल रही हूँ एक कप मैदा, ये 200 ग्राम है, आधा चम्मच खाने का सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ऊपर तक भर के नहीं लेना है, ये चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं, 2 चम्मच हमें चाहिए चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर, 1 चम्मच कोको पाउडर। इन सबको अच्छे से छान लें। इसके बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच कॉफ़ी में थोड़ा सा पानी डाल करके हमें घोल कर थोड़ा देर रखना है, ताकि जो ये कॉफ़ी में थोड़ा दाना दाना जो होता है वो अच्छे से घुल जाए। ये देखिए मैं घोल ली हूँ, साइड में रख दे रही हूँ इसे। दही वाले मिश्रण में थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए हमें इसे मिक्स करना है। एक साथ में नहीं डालें, नहीं तो जो नम्स हो जाएगा और केक जो है ख़राब हो जाएगा, अच्छे से नहीं फूलेगा। इसके बाद जो ये कॉफ़ी मैं घोल रखी थी उसे भी डाल दूंगी। ये हमारा जो बैटर है थोड़ा सा थीक लग रहा है, इसमें मैं 1 से 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर थीक है तभी दूध डालें, नहीं तो नहीं डालें। देखिए हमें इस तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए होगा। एक लेयर में पूरा बैटर गिरना चाहिए तभी केक अच्छा बनता है। यहाँ मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस 1/2 चम्मच। वेनिला एसेंस को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नींबू अवेलेबल नहीं है इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। नींबू डालने से केक जो है अच्छा फूलता है। जिस भी ट्रे में बना रहे हो आप उसमें ऑयल या फिर बटर लगा करके हमें अच्छे से ग्रीस करना है। ऑयल को हर कोने में अच्छे से हमें ऊपर ऊपर में भी लगाना है। इसके बाद थोड़ा सा मैदा डाल करके हर तरफ से हमें फैला लेना है। मैदा डालने से हमारा जो केक है इसमें ट्रे में चिपकता नहीं है, अच्छे से निकल जाता है। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इसके बाद पूरा बैटर इसमें डाल के हमें नीचे से थोड़ा थोड़ा टैप कर लेना है ताकि एयर बबल्स निकल जाए। मैं अब कढ़ाई में बना रही हूँ। कढ़ाई में नमक डाल के पहले से मैं हीट कर ली थी। इसे 20 मिनट तक ढक करके पकाना है। फ्रेंड्स, 20 मिनट से पहले एक बार आप बीच में चेक कर लें, बहुत बार गैस कम होने से या ज़्यादा होने से जल्दी पक जाता है। ये देखिए हमारा नाइफ क्लीन आया है, इसे निकाल के हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे पलट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, केक जो है बहुत बढ़िया बना है, बहुत स्पॉन्जी सॉफ्ट बना है केक। केक जो है हमारा बहुत अच्छा बना है, इसे इसी तरह से रहने देते हैं। क्रीम यहाँ पे मैं फेंट रही हूँ, ये बिब क्रीम है, इसे मैं 1 कप ली हुई हूँ। फ्रेंड्स, क्रीम जो है पहले से मीठा होता है इसीलिए मैं इसमें आइसिंग शुगर नहीं डाली हूँ। क्रीम हमारा बिब हो चुका है, ये देखिए। केक को पीस से कट कर लेना हमें। आप 2 लेयर 3 लेयर जितना भी लेयर चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लेयर का केक बना रही हूँ। इसके बाद केक को हमें अच्छे से मॉइस्चर करना है। ये शुगर सिरप है। केक को बिना मॉइस्चर किए क्रीम नहीं लगा, नहीं तो आपका केक जो है हार्ड बन जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा
बारीक कटा हुआ चेरी ले, फिर ऊपर से बीप किया हुआ क्रीम डालें। अच्छे से इसे फैला लें इवेनली, एक हर तरफ से एक बराबर लेयर होना चाहिए इसे हमें करना है। इसके बाद इसके ऊपर से केक रख दें। केक का जो ऊपर वाला भाग है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे एक बराबर में नहीं हो तो थोड़ा सा कट कर ले। मुझे एक साइड से केक थोड़ा सा मोटा लग रहा है इसीलिए मैं कट कर ले रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर में भी शुगर सिरप डालकर हमें मॉइस्चर करना है। अब केक को जितना अच्छा मॉइस्चर करेंगे उतना ही अच्छा से आपका केक जो है सॉफ्ट बनेगा। इसके ऊपर में भी क्रीम डालें, क्रीम अपने पसंद के अनुसार डालें, अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद हो तो ज़्यादा क्रीम लगा लें। इसे अच्छे से फैलाएं, चिकना करना हमें एकदम पूरा स्मूथ करना है। इसे हर तरफ से घुमाते हुए हमें अच्छे से बराबर कर लेना है क्रीम को। ये देखिए बराबर हो चुका है, ये साइड साइड से भी थोड़ा थोड़ा हमें अच्छे से कर लेना है ताकि ये बढ़िया लगे देखने में, सुंदर लगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा केक जो स्मूथ हो चुका है। ये मैं यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट की हुई हूँ, इसे डबल बॉयलर में हमें मेल्ट करना है। नीचे पानी गर्म करके ऊपर से रखना है, फिर ये मेल्ट हो जाएगा। साइड साइड में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा चॉकलेट लग चुका है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे के साइड में भी लगा दे रही हूँ मैं क्रीम ताकि ये सुंदर लगे देखने में। आप अपने मनपसंद के अनुसार इसे डेकोरेट कर सकते हो, आपको जैसा भी पसंद हो। ये देखिए मैं चारों हर तरफ से लगा दे रही हूँ। इसके बीच में मैं चेरी लगा रही हूँ साइड साइड में भी। उसके बाद क्रश किया हुआ चॉकलेट। ये देखिए फ्रेंड्स केक हमारा रेडी है। अब जो साइड साइड में जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे क्लीन कर लें। ये बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत बढ़िया बनता है फ्रेंड्स। अगर आप एक बार इसे घर में बनाओगे तो बाहर से केक मंगाना तो आप भूल ही जाओगे। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।